करें आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, और वो है कॉलिजन थ्योरी। क्या पता लगाएंगे इसके अंदर, समझते हैं। तो पहले हेडिंग डाल लीजिए, कॉलिजन थ्योरी। तो ठीक है, कॉलिजन थ्योरी आपको ये जानकारी देती है कि किसी भी क्लोज कंटेनर के अंदर जिसका वॉल्यूम वी है, पर सेकंड कितने कॉलिजन्स होंगे। ये कुछ एजम्पशंस पे बेस्ड थ्योरी है जो कि हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन हाँ फिर भी काफ़ी हद तक हम एग्जैक्ट वैल्यू के पास पहुंच जाते हैं कि एग्जैक्ट कॉलिजन्स कितने हो रहे होंगे। तो इस पे हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, ये टारगेट अगर मुझे मिला होता तो मैं कैसे सोचता कि कॉलिजन कैसे हो रहे हैं, समझ में आ रही है। तो नंबर ऑफ कॉलिजन हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कॉलिजन थ्योरी की, तो इनडायरेक्टली हम कैसे देखेंगे इसको। एक क्लोज कंटेनर है, देखो आप, ये क्लोज कंटेनर के अंदर कितने कॉलिजन हो रहे हैं हम इस पर डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आएंगे तो कहीं ना कहीं कॉलिजन तो होगा। तो पहली चीज, कभी भी ये टच कॉलिजन नहीं होता, ये डिस्टेंस कॉलिजन होता है। यानी मॉलिक्यूल एक लिमिट तक एक दूसरे के पास आते हैं और उसके बाद रिपेल होकर दूर भाग जाते हैं। तो क्या उसको टच कॉलिजन बोल सकते हैं? नहीं, टच में वॉल का टच होना जरूरी होता है। ठीक है, आज मैं बॉल को फेंक के दीवार पे मारता हूं तो ये क्या टच कॉलिजन है? हाँ ये, लेकिन जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आते हैं तो एक लिमिट तक पहुंच पाते हैं, फिर उसके बाद नहीं पहुंच पाते। जैसे सामने नॉर्थ है और मैंने साउथ पोल मारा मैग्नेट का, तो क्या वो एक दूसरे को टच कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, वो एक लिमिट तक पास आएंगे और उसके बाद रिपेल कर जाएंगे। तो ये हमारे लिए हो गया कॉलिजन थ्योरी। ये मॉलिक्यूल भी बिल्कुल ऐसे हैं, एक दूसरे के एक लिमिट के बाद पास नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो ये छोटी सी जनरल बात हुई। अब आगे हमें कॉलिजन निकालना है, तो मैंने क्या सोचा कि ये मेरा पार्टिकल है जो मूव कर रहा है। मान लीजिए ये मेरा पार्टिकल है जो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये सिलेंड्रिकल डायरेक्शन में होगा, हाँ या ना? तो जब ये सिलेंड्रिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जो भी पार्टिकल जिनके न्यूक्लियस इस सिलेंडर में आते हैं उन सबसे कॉलिजन करेगा, लेकिन कुछ और पार्टिकल है उनसे भी कॉलिजन करेगा। सपोज किसी का न्यूक्लियस इस सिलेंडर से थोड़ा सा ऊपर है, तो क्या उससे कॉलिजन नहीं करेगा? करेगा, बिंदास करेगा। क्यों? क्योंकि वो मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल का एरिया एक दूसरे के पास आ सकता है। तो ओवरऑल कॉलिजन एरिया देखा जाए तो इतना हाई तक जाएगा और यहां तक ही कॉलिजन एरिया कवर हो जाएगा। यानी ये भी एक सिलेंडर बनेगा जिसका डायमीटर एक तरह से देखा जाए तो मॉलिक्यूलर डायमीटर से क्या होगा? डबल होगा। तो वहां तक, जहां तक इस एटम का डायमीटर है उससे डबल डायमीटर तक कॉलिजन वॉल्यूम होगा, और यहां आने वाला एटम भी इससे कांटेक्ट में आ जाएगा। लेकिन जिस न्यूक्लियस का सेंटर, न्यूक्लियाई बाहर है इस सिलेंडर से, फिर उससे कॉलिजन नहीं होगी। तो यानी इस एरिया में आने वाले सारे पार्टिकल से कॉलिजन हो जाएगी, होगी या नहीं होगी? होगी। तो कुल मिला के मैं आपको वही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इन सबसे कॉलिजन होगी। तो ये हमारा लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि क्या ये कॉलिजन होगी? हाँ होगी। तो ये अब हमारे लिए एक तरह से जो ऊपर वाला सिलेंडर है इसकी रेडियस क्या होगी, जो डायमीटर है एटम का उसके बराबर होगी, एटम डायमीटर के बराबर होगी इसकी रेडियस, कॉलिजन वॉल्यूम सिलेंडर की। तो चलिए ठीक है, तो पहला एजम्पशन हमने क्या लिया? हमने लिया कि इस सिलेंडर में आने वाले जितने भी पार्टिकल हैं उन सबसे कॉलिजन होगी। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास आ रहा है कि सिलेंडर में कितने पार्टिकल होंगे वो निकालना है हमारे को। तो स्टार्ट करते बाय आइडियल गैस इक्वेशंस, बाय आइडियल गैस इक्वेशंस। क्या जानते हैं आप आइडियल गैस इक्वेशंस को? पीवी इक्वल टू एन आर टी, और एन की जगह आप क्या लिख सकते हो? एन डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर, मोल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर। तो मैं एक टर्म निकालने वाला हूं एन बाय वी, एन बाय वी इधर ले लिया तो पी एन ए अपॉन आर टी आ जाएगा। इसको बोल रहा हूं मैं एन स्टार,
एन स्टार इक्वल टू पी एन ए अपॉन आर टी। ये एन स्टार का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? शो पार्टिकल डेंसिटी। पार्टिकल डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट वॉल्यूम। ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हुआ। तो हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? हम इसको पार्टिकल डेंसिटी बोल सकते हैं, हम इसको नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट वॉल्यूम बोल सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत क्यों क्यों पड़ रही है? पड़ेगी, आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा, ठीक है। अब वापिस आ जाते हैं अगला पॉइंट, फर्स्ट सेकेंड पॉइंट, बल्कि इसको सेकेंड माने, फर्स्ट कोलिजन कॉन्सेप्ट और थर्ड। अब हमें यह पता लगाना है कि कोलिजन वॉल्यूम क्या होगा। वह हम चाहते तो यहां पर भी निकाल सकते थे। कोलिजन वॉल्यूम क्या होगा? कोलिजन सिलेंडर वॉल्यूम। कैसे निकालोगे आप कोलिजन सिलेंडर वॉल्यूम? इन वन सेकेंड। मान लीजिए हमारा पार्टिकल एक सेकेंड में यहां से यहां तक आता है, इसके लिए टाइम वन सेकेंड है, तो वन सेकेंड में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो एवरेज? यानी कि ये एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर ये एल होता तो ये एल की वैल्यू कितनी होती, जल्दी से बताइए। यू एवरेज ही होता, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है, और टाइम कितना मान लिया आपने? वन सेकेंड। तो ये जो डिस्टेंस हमारा पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ और पहुंचते पहुंचते यहां पहुंच रहा है, तो वन सेकेंड। अच्छा, एक पार्टिकल स्पेरिकल है, समझ में आ रहा है, वो लीनियर मूवमेंट करेगा, तो मूवमेंट उसका कैसा दिखेगा? हे स्पेरिकल, लेकिन उसका मूवमेंट का पाथ कैसा बनेगा? सिलेंड्रिकल। तो बताइए ये सिलेंड्रिकल है, लेकिन कॉलिजन सिलेंडर बड़ा है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? उसके लिए हो जाएगा ये क्रॉस सेक्शन एरिया पाई डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय यू एवरेज। कर दूं मैं यू एवरेज, क्योंकि लेंथ मल्टीप्लाई बाय पाई डी स्क्वायर, तो ये कहलाएगा कॉलिजन वॉल्यूम, ये कहलाएगा पार्टिकल डेंसिटी। पार्टिकल डेंसिटी को अगर कॉलिजन वॉल्यूम से पता मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन कॉलिजन सिलेंड्रिकल वॉल्यूम आ जाएगा। तो थर्ड पॉइंट आएगा टोटल पार्टिकल प्रेजेंट इन कॉलिजन सिलेंडर वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय पार्टिकल डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी, और वॉल्यूम कितना है अपने पास? पाई डी स्क्वायर, और डेंसिटी पाई डी स्क्वायर यू ए वी, और डेंसिटी कितना है आपके पास? एन स्टार। इस एन स्टार की वैल्यू क्या होती है? पी एन ए अपॉन आर टी, लेकिन अभी रखनी नहीं है, अभी तो सिर्फ समझना है। अब मैंने पहला एक और एग्जम्पशन माना कि हमारा जो पार्टिकल है वो इन सब पार्टिकल को टकराएगा, ठीक है। तो हमारे लिए एक तरह से ये एग्जम्पशन हो रहा है कि ये पार्टिकल जितने भी पार्टिकल उसमें उन सबको टकराएगा, बिना छोड़े आगे जाएगा ही नहीं। आ रही है बात समझ में? तो आपके एक चीज नहीं समझ में आ रही होगी, डायरेक्शन चेंज होती जाएगी पार्टिकल की कॉलिजन के साथ, ठीक है। हमने क्या माना कि ये पार्टिकल इससे टकराया, पीछे चला गया, लेकिन आगे वाला पार्टिकल आगे जाएगा, उसका काम अब वो कौन करेगा? दूसरा वाला करने लग जाएगा। तो वो हाइपोथेटिकली हम क्या कर रहे हैं कि हमारा पार्टिकल पहले ये था, उसकी जगह ये हो गया, उसकी जगह ये हो गया, बस कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थिंकिंग मतलब हमारी थिंक ये रह रही है, सोच हमारी ये बन रही है यहाँ पर कि यार ओवरऑल इसका काम वो कर रहा है, बात है कि वो अब पहले वाले का काम करेगा, समझ में आ रही है? तो कुल मिला के एक का काम दूसरा, दूसरे का काम पहला कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टोटल कोलिजन तो उतनी आएगी, तो अब ये उसका काम करने लग जाएगा, तो ऑन एन एवरेज कोलिजन्स क्या आएंगी? सेम आएगी। तो यही सोच हमारे को ये बनाती है, लेकिन हमने यहां पर एक चीज ले रखी है, क्या यहां पर पार्टिकल उतने ही रहेंगे जितने हमने सोचे? ये वाले उतने ही रहेंगे, बस शर्त यह है कि बाहर से कोई पार्टिकल नहीं आ रहा हो और अंदर का पार्टिकल बाहर नहीं जा रहा हो, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा?
इसका मतलब ये कि ये पार्टिकल जो अंदर है ये सब क्या है, स्टेशनरी है। ये सब पार्टिकल हमने क्या मान लिया, स्टेशनरी। तो इसका मतलब जो कॉलिजन निकलेगी वो ये निकाल के सोची जाएगी कि टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन इफ ऑल अदर पार्टिकल्स आर स्टेशनरी। तो ये हमारे पास होगा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट, जो हमारे लिए यहां पर फाइव फोर नंबर का पॉइंट बनेगा। अब टोटल टोटल पॉसिबल कॉलिजन कॉलिजन इफ ऑल अदर पार्टिकल्स आर स्टेशनरी। तो अदर पार्टिकल सारे क्या दिख रहे हैं आपको, स्टेशनरी है। तो सही है यार, स्टेशनरी पार्टिकल आ रहे हैं। तो क्या करें हम, तो हम ये करते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, स्टेशनरी है, यानी कि कोई और पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल मूव कर रहा है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर यू ए वी ही आंसर हो जाएगा, मल्टीप्लाई एन ए एन स्टार, जितने पार्टिकल उतनी कॉलिजन। लेकिन एक एजम्पशन से, टोटल पॉसिबल कॉलिजन इफ ऑल अदर पार्टिकल्स आर स्टेशनरी, तो आंसर ये है। लेकिन अब इस एजम्पशन को हटाना चाहता हूं कि अदर पार्टिकल अगर स्टेशनरी नहीं है तो नंबर ऑफ कॉलिजन चेंज होगी या नहीं होगी, होगी, बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी, क्योंकि कई पार्टिकल बाहर से अंदर आ रहे होंगे। आप सोचिए कि ये इसके पास आ रहा है तो ये भी तो इसके पास आ सकता है, तो आप कहेंगे सर हो सकता है ये दूर भी जा रहा हो, पास भी आ रहा हो, तो नेट कितनी होगी, जीरो। आपके दिमाग में ये होगा, नहीं, कैसे सोचना है इसके लिए थोड़ी और फिजिक्स लगानी पड़ेगी। तो वो बनेगा हमारे पास फिफ्थ नंबर का पॉइंट। हम कैलकुलेट कर रहे हैं फिफ्थ नंबर का, इफ अदर पार्टिकल्स जो हमने सोचा है आर नॉट स्टेशनरी। अगर अलग पार्टिकल स्टेशनरी नहीं है तो क्या है, तो फिर मेरी जरूरत पड़ेगी आपको कॉन्सेप्ट्स की। मान लीजिए ये एक पार्टिकल है और ये एक पार्टिकल है, ये इन दोनों के पास भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, कोलिजन करने वाले इधर से भी आ सकता है, सब जगह से आ सकता है। तो एक तरह से वो एक दूसरे के साथ कौन सा एंगल रख सकता है, जीरो से लेके 180। तो आप क्या करोगे, आप एवरेज एंगल ले लो, सबसे अच्छा तरीका है, हर चीज़ एवरेज लेते हुए चाहो। आपने वेलोसिटी कौन सी ली थी, एवरेज ली थी, क्यों ली थी, क्योंकि हमें नहीं मालूम, तो हम हर जगह क्या लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं। भाई किसी भी इंडियन को पकड़ लिया और पूछा तेरे पास कितने रुपए होंगे, तो एवरेज ही लोगे, ठीक है। तो वैसे ही हम इसकी भी एवरेज वेलोसिटी लेने की कोशिश करेंगे, तो एवरेज मनी इसके पास कितनी है, एवरेज वेलोसिटी इसके पास कितनी आएगी, वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मान रहे हैं एंगल इनके अंदर क्या है, एवरेज है। तो एवरेज एंगल क्या होगा, आप खुद सोच के बताएं, एवरेज एंगल क्या होगा इस जगह। आप ये मान लो कि ये पार्टिकल और ये पार्टिकल एक दूसरे से 90 डिग्री पे आ रहे हैं, और 90 डिग्री पे आते हैं तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाती है, वो हो जाएगी रूट टू यूएवी। बताओ होगी या नहीं होगी। तो यू को अगर रूट टू यूएवी लिख दोगे आप, यूएवी को, तो इसका मतलब आपके पास आएगा टोटल पॉसिबल कॉलिजन्स अदर पार्टिकल आर आल्सो मूविंग, ये आ जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, हम क्या कैलकुलेट कर पाए, हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई दो पार्टिकल के एक दूसरे के पास आने की, रिजल्टेंट वेलोसिटी, यानी कि ये किसको शो कर रहा है, रिजल्टेंट वेलोसिटी शो द रिजल्टेंट वेलोसिटी शो द नेट वेलोसिटी ऑफ टू बिटवीन टू पार्टिकल या ऑफ टू पार्टिकल टू पार्टिकल्स। इसको और अच्छी लैंग्वेज आप अपनी लैंग्वेज में लिख लो, रिजल्टेंट वेलोसिटी शो द नेट वेलोसिटी बिटवीन टू पार्टिकल। बिटवीन टू पार्टिकल फॉर कम टूगेदर, ठीक है ना। चलिए ये एक पॉइंट हो गया। तो अब हमारे पास नेट वैल्यू आ रही है सिक्स नंबर की पॉइंट, और वो क्या शो कर रहा है,
टोटल कॉलिजन, टोटल कॉलिजन बाय वन पार्टिकल इन वन सेकेंड, इन वन सेकेंड, टोटल कॉलिजन बाय वन पार्टिकल इन वन सेकेंड एंड अदर पार्टिकल आर मूविंग, अदर पार्टिकल मूविंग भी कर रहे हैं और कॉलिजन निकालना है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? रहेगी तो वही, बस यू को आपको किससे रिप्लेस करना होगा, रूट टू यू ए वी मल्टीप्लाई बाय एन स्टार, ये रहेगी हमारे पास दिस। ध्यान रखना एन स्टार की वैल्यू क्या है, पी एन ए अपॉन आर टी, ये टोटल कोलिजन आई एक पार्टिकल से, तो बताओ एक्स पार्टिकल से कितनी आएगी, मल्टीप्लाई बाय एक्स, वी पार्टिकल से कितनी आएगी, मल्टीप्लाई बाय वी, ऐसे कर सकते हैं। हाँ बोलो बेटा, ये नहीं समझ में आया, ये तो समझ में आ गया था आपके पास पाई डी स्क्वायर यू ए वी एन स्टार था, तो ये यू ए वी की जगह अपन ने क्या लिख दिया, रूट टू ए वी, क्योंकि पहले हम ये मान रहे थे कि मूविंग करने वाला पार्टिकल सिर्फ एक था, अब क्या मान रहे हैं दोनों मूव कर रहे हैं, और दोनों के बीच में क्योंकि एंगल फिक्स नहीं है तो अपन ने क्या मान लिया रिजल्टेंट 90 मानते हैं, दोनों के एक दूसरे के पास आने की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यूएवी नहीं होगी क्या हो जाएगी, रूट टू यूएवी, तो डी स्क्वायर तो रहेगा कहाँ है, तो ये यहीं पर है डी स्क्वायर, ध्यान से देखो डी स्क्वायर है बेटा, ठीक है ना, तो पाई डी स्क्वायर रूट टू यूएवी एन स्टार, आ रही है बात समझ में, तो ये हमारे पास कॉलिजन थ्योरी हो गई। अभी हमारी कहानी बाकी है, हाँ बताएं आप, हाँ यहां स्टेशनरी था, नहीं एक पार्टिकल मूव कर रहा है, अदर आर स्टेशनरी, यानी हमारा पार्टिकल जो कॉलिजन कर रहा है वो तो मूव कर रहा है, लिखो टोटल पॉसिबल कॉलिजन इफ ऑल अदर आर स्टेशनरी, नहीं देखिए मान के चलिए कि हमने यू एवरेज ले ली वेलोसिटी, एजम्पशंस तो है, फिर एजम्पशंस है, यही इसी को तो कह रहा हूं मैं, कुछ एजम्पशन लेके चलने पड़ेंगे क्योंकि हमें तो उसकी भी वेलोसिटी नहीं मालूम, बाद में आके तो हमने ये भी चीज हटानी है, हटानी है तो हम क्या करेंगे, इसलिए हमने यू ए वी ही रखा है शुरू से, अब देखो वापिस आ गया यू ए वी आ गया, लेकिन अब हमारे पास टोटल कोलिजन निकाल रहे हैं हम ये एक पार्टिकल से, लेकिन हमें एक पार्टिकल से नहीं निकालनी, हमें किससे निकालनी है, बहुत सारे पार्टिकल से या कंटेनर में, तो अगला पॉइंट आएगा टोटल कॉलिजन, कौन सा पॉइंट बनेगा, सेवेंथ नंबर का टोटल कॉलिजन, टोटल कॉलिजन इन यूनिट वॉल्यूम, इन यूनिट वॉल्यूम कंटेनर, यूनिट वॉल्यूम कंटेनर, कंटेनर यूनिट वॉल्यूम कंटेनर है एंड ऑल पार्टिकल आर मूविंग इन वन सेकेंड, पहले तो ये लिखो वन सेकेंड के अंदर, एंड ऑल पार्टिकल आर मूविंग, तो जब पूरे पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो हम उसे यूनिट कंटेनर बोलने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे लिए मेन यही था टोटल कोलिजन, तो कैसे करेंगे, आप ये देखिए ये आपके पास कंटेनर है जिसकी लेंथ हाइट वेट सब वन 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 मीटर है, मान लीजिए हो गया एक मीटर क्यूब का अंदर कितनी कॉलिजन है, तो एन मीटर क्यूब में कितनी होगी वो आपको निकालनी होगी, पहले तो सिंगल हम बात करें, तो इसमें टोटल पार्टिकल कितने हैं, बहुत सारे हैं, बता सकते हो एक मीटर क्यूब में पार्टिकल या एक यूनिट वॉल्यूम में पार्टिकल कितने होंगे, टोटल पार्टिकल कितने होंगे आप बता सकते हो इन यूनिट वॉल्यूम, एन बाई वी आ जाएगा, और एन बाई वी को क्या बोलते हो एन स्टार, इतने पार्टिकल होंगे या जानो, तो आपके पास एन स्टार पार्टिकल है और एक पार्टिकल इतनी कॉलिजन कर रहा है, तो क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे,
एक पार्टिकल की इतनी कॉलिजन, तो एन स्टार की कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाय एन स्टार। लेकिन यहाँ एक मैथ्स और लगानी पड़ेगी, एक और कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनेगा कि देखो हो क्या रहा है कि हम 10 जने आपस में कॉलिजन कर रहे हैं, बाय मॉलिक्यूल कॉलिजन, समझना। तो मैं कितनों के साथ कॉलिजन कर रहा हूँ, नो के साथ। तुम भी कितने के साथ कर रहे हो, नो के साथ। ऐसे करके अगर हम बात करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारे यहाँ 90 कॉलिजन हुई है, नहीं है, हमारे पास कम हुई है, आधी हुई है। पता है क्यों? क्योंकि जो कॉलिजन मैंने तुम्हारे साथ करी है वो मैंने भी काउंट कर ली और तुम्हारे में भी काउंट कर ली। समझ में आ रहा है? तो इसलिए टोटल कॉलिजन जो होती है वो कॉलिजन बाय मॉलिक्यूल कॉलिजन होने के कारण कि ये इसके साथ काउंट हो रही है, तो ये इसके साथ में भी काउंट हो गई गलती से, इसके साथ भी काउंट हो गई। टोटल कॉलिजन कितनी होगी, टोटल कॉलिजन जो आएगा वो आएगा कॉलिजन बाय वन पार्टिकल पार्टिकल मल्टीप्लाई बाय एन स्टार डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो दो दो जगह काउंट हो रही थी, हमें पता नहीं चला। बाई मॉलिक्यूल है तो डिवाइडेड बाय 2, ट्राई मॉलिक्यूल होती तो डिवाइडेड बाय 3। लेकिन अभी तो हम क्योंकि डाई मॉलिक्यूल कॉलिजन की ही बात करते हैं तो वो हमारे पास ये हो रहा है। तो ये हमारे पास जो हम शो करना चाहते हैं ऑल पॉसिबल कॉलिजन, इसको हम शो कर रहे हैं Z11 से, और इसको हम शो कर देते हैं Z1 से। नाम दे दो, आसानी रहेगी। तो Z1 क्या शो कर रहा है, कॉलिजन बाय वन पार्टिकल, और Z11 क्या शो कर रहा है, टोटल कॉलिजन बाय ऑल पार्टिकल इन यूनिट वॉल्यूम। टोटल कॉलिजन इन यूनिट वॉल्यूम कंटेनर इन 1 सेकेंड। टोटल तो हमारे लिए Z1 हमारे पास क्या है, देखा जाए तो टोटल कॉलिजन बाय ऑल पार्टिकल, बाय ऑल पार्टिकल इन यूनिट वॉल्यूम, शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे लिख देंगे हम, और इसकी वैल्यू होगी Z1 मल्टीप्लाई बाय एन स्टार डिवाइडेड बाय 2। Z1 की वैल्यू कितनी है, पाई डी स्क्वायर रूट 2 यू ए वी एन स्टार, फिर एक और बार एन स्टार, फिर डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास आ रहा है पाई डी स्क्वायर यू ए वी एन स्टार का स्क्वायर अपॉन रूट 2। ये हमारे पास हो गया Z11। हमें ये फॉर्मूला रटना है क्योंकि डेराइव करने का टाइम नहीं होगा, और एक ये फॉर्मूला रटना है हमें बस, और कोई नहीं रटना। रटने के तरीके मैं आपको बता दूंगा जिससे भूलोगे नहीं, लेकिन अभी फिलहाल तो एक बार ध्यान रखो।